नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी आईएसआई के चीफ की नियुक्ति को लेकर इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा में ठन गई है। अब यह लड़ाई सत्ता के गलियारों से बाहर आकर पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। दोनों ही तरफ से सहमत के खेल की शुरुआत हो चुकी है और क्यास यहां तक लगाए जाने लगे हैं कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन का कोई बड़ा खेल हो सकता है, जिसमें सेना इमरान खान को हटाकर अपने खासम खास वर्तमान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर ताजपोशी कर सकती है। हैरानी की बात यह है कि खुद इमरान खान भी चाहता है कि सेना उसका तख्ता पलट करने जैसा कोई कदम उठाए। यानी सहमत की इस कसम कस में बाजवा और इमरान दोनों ही अपने लाभ नुकसान के फायदे गिन रहे हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जबकि आर्मी चीफ बाजवा ने आईएसआई के वर्तमान प्रमुख जनरल फैज हमीद को हटाकर पेशावर कोर का कमांडर बना दिया। इमरान लोंडा इससे सख्त खपा है क्योंकि संवैधानिक तौर पर उन्हें तबादले या नियुक्ति का अधिकार है। अब इमरान जनता और विपक्षी दलों को पीएम की ताकत दिखाने के चक्कर में सीधे सेना से टकराने निकल पड़ा है। वह साबित करना चाहता है कि उसकी सरकार सेना की कठपुतली नहीं है बल्कि मुल्लाओं के देश में भारत के प्रधानमंत्री वाली शक्ति उसके भी पास है। हालांकि जनरल बाजवा ने अभी तक संयम से काम लिया है और लोंडे के सलवार फाड़ अभियान को नजरअंदाज करने कोशिश की है। बाजवा अभी तक टकराव और न बढ़े इसी कोशिश में लगा है। उन्होंने इमरान का दिमाग ठंडा करने के लिए एक और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। इसके तहत तीन नामों का पैनल इमरान के पास भेजा गया है, पर इमरान लोंडा इस वक्त बेकाबू हो रहा है और अब बिगड़े सांड के तौर पर अपना रूप दिखा रहा है। लोंडे ने शर्त जोड़ दी है कि वो तीनों कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेकर ही कोई फैसला करेगा और अगर वे इसमें योग्य नहीं उतरे तो उन्हें पद की दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि सेना द्वारा भेजे गए तीन नामों में जनरल नदीम अंजुम का नाम तो है मगर फैज हमीद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यानी इनमें वही लोग शामिल हैं जिन्हें बाजवा आईएसआई चीफ बनाना चाहता है। दरअसल आईएसआई के वर्तमान चीफ जनरल फैज हमीद के पक्ष में इमरान पूरी तरह खुलकर मैदान में उतर गया है। ये वही फैज हमीद है जिनकी बदौलत इमरान को इलेक्टेड की बजाय सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। कहा जाता है कि 2018 के चुनाव में फैज ने जमकर धांधली की और इमरान को वजीर आजम बनवा दिया। शुरुआत में इमरान ने जनरल बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन देकर नवाजा और फैज इसमें पीछे रह गए। एक्सटेंशन के बाद आर्मी चीफ बाजवा अगले साल अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं। इमरान चाहता है कि जनरल फैजी अगला आर्मी चीफ बने और इसके पहले आईएसआई सुप्रीमो बना रहे। पाकिस्तान में 1.5 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, तब तक फैज आर्मी चीफ बन जाएंगे और इमरान के फिर से सत्ता में आने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। हालांकि देश में हुए सर्वे के मुताबिक जनता लोंडे से नाराज चल रही है। अगर ईमानदारी से चुनाव हुए तो इस बार इस फंटर के पीएम बनने कोई उम्मीद नहीं है। जबकि बाजवा भी इमरान की नीतियों और उसकी बकलोल प्रवृत्ति से परेशान हैं। इमरान के बयानों की वजह से सेना की कई बार किरकिरी हो चुकी है। इमरान अंतर्राष्ट्रीय मंच और मीडिया में पाकिस्तानी सेना पर आतंकियों के संरक्षण के दावे कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इमरान की ढुलमुल और अनाड़ी विदेश नीति के चलते अमरीका और खाड़ी देशों से पाकिस्तान के रिश्ते निचले स्तर तक पहुंच गए हैं। ऐसे में बाजवा चाहते हैं कि नदीम अंजुम को फिलहाल आईएसआई चीफ बनाया जाए और आगे चलकर उन्हें सेना प्रमुख बनवाकर देश में कोई नया प्रधानमंत्री लाया जाए। यानी बाजवा और इमरान के लिए आईएसआई चीफ का पद नाक का सवाल बन गया है। यूं भी पाकिस्तान में हुकूमत किसी की भी हो, पर्दे के पीछे कमान फौज के हाथ में होती है। जो फौज से पंगा लेने की कोशिश करता है उसका हसर बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ या फिर जुल्फिकार अली भुट्टो की तर्ज पर होता है। इमरान को पीएम बनाने में भले ही फौज की भूमिका रही हो लेकिन लोंडा 1.5 साल बाद होने वाले चुनाव के मद्देनजर उसके सामने झुकने को तैयार नहीं है। सेना द्वारा भेजे गए तीन नामों के पैनल का इंटरव्यू लेने की इमरान की जिद सीधे सीधे सेना को चुनौती है। पाकिस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, पर लोंडा इस तरह का इंटरव्यू लेकर इतिहास बनाना चाहता है। मगर इससे मामला सुलझने की बजाय खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। अगर इमरान और आर्मी चीफ बाजवा के बीच सुलह नहीं होती है तो इसी महीने पाकिस्तान को शाह महमूद कुरैशी के रूप में नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। इमरान को पता है कि नौबत यहां तक पहुंच सकती है, पर लोंडे का असली खेल भी यही है। बाजवा अगर उसका तख्ता पलट करते हैं तो वह खुद को फौज के हाथों सही ठहराने की कोशिश करेगा ताकि जनता की सहानुभूति बटोर सके। हालांकि इमरान को ऐसा फायदा मिलना मुश्किल ही लगता है। देश में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और बेरोजगारी का सारा दोष सेना लोंडे के मत्थे बढ़ सकती है।
साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का श्रेय भी इमरान को देकर सेना अपने फैसले को जायज ठहरा सकती है। वैसे भी इमरान सरकार के ज्यादातर मंत्री फौज के हाथों की कठपुतली माने जाते हैं, ऐसे में इमरान पूरी तरह अलग थलग पड़ सकता है। पर लोंडा की सेना से टक्कर लेने की अपनी क्षमता जनता को दिखाकर खुद को मोदी की तरह देश में दबंग नेता के मुंह लाई ख्वाब देख रहा है। कहा जाता है कि शाह महमूद कुरैशी और बाजवा नई स्थिति को लेकर लगातार संपर्क में हैं। कुरैशी पीएम की रेस में फिर आगे आ गए हैं, उन्हें सेना की कठपुतली माना जाता है और इमरान के बाद वे पहले से ही फौज की पसंद रहे हैं। इमरान ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में आर्मी से टकराव लेकर देश के सामने सेना की छवि कमजोर करने की कोशिश की है, जो कमर जावेद बाजवा की नाक का सवाल बन गया है। इमरान ने नए आईएसआई चीफ की नियुक्ति पत्र पर सिग्नेचर नहीं करके आर्मी का कद घटाने का साहस किया है। इससे आर्मी के अधिकारियों में भी गुस्सा बढ़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, लोंडे ने यह दांव चलकर सेना में गुटबंदी भी करा दी है। अब बाजवा और फैज हमीद अपने अपने अधिकारियों को लामबंद कर रहे हैं। अगर बाजवा इमरान का तख्ता पलट करने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान में गृह युद्ध का खतरा भी हो सकता है। अब मदरसा मुल्क में क्यासों का बाजार गर्म है कि इमरान इस कुर्सी पर चंद दिनों का मेहमान है। कहा जा रहा है कि अगर आने वाले दिनों में यह डेढ़ लोग खत्म नहीं हुआ तो फिर बाजवा के सामने दो ही विकल्प हैं। पहला, समय से पहले देश में चुनाव कराए जाए। इसके लिए इमरान सरकार को अल्पमत में लाकर उसे गिराया जा सकता है। दूसरा यह कि शाह महमूद कुरैशी को बाकी कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसका साफ मतलब यही है कि जिन्ना का कथित इस्लामिक गणराज्य है जाहिलों की गद्दी की लड़ाई का केंद्र है। ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक देशों का हिस्सा नहीं होती है। यह इस्लामिक देशों में देखने को मिलता है कि कैसे गद्दी के लिए अपनों का एक कत्लेआम कर दिया जाता है। यह छल कपट और मक्कारी इनके डीएनए में शामिल है। इसलिए पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है। कुछ नया है तो यही कि ऐसी लड़ाइयां कंगाल आवाम के तैमंद और पुराने कर देगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।